हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो नवरात्रास में फास्टिंग करते हैं। कई लोग एक फास्ट रखते हैं, कई लोग सारे फास्ट रखते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ फास्टिंग से रिलेटेड, जो कि आपकी फास्टिंग को और ईजी बनाएगा और फास्टिंग से होने वाले स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, ताकि आपके आने वाले दिन ख़राब ना हो। तो सबसे पहले टिप जो मैं फास्टिंग के लिए देना चाहती हूँ वो ये कि जब भी आप अपना फास्टिंग का डे स्टार्ट करते हैं तो अब वो आप एक ग्लास दूध के साथ स्टार्ट करें। अब क्योंकि रात को जो भी आपने लास्ट मील ली होगी वो 2 घंटे के बाद डाइजेस्ट हो जाती है और आपका पेट वर्चुअली खाली होता है, तो कई लोगों की आदत होती है कि वो व्रत वाले दिन सबसे पहले चाय ले लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी बॉडी पूरे दिन के लिए एसिडिक हो जाती है और इनडाइजेशन खाली पेट रहने की वजह से ज़्यादा देर और फिर सीधा फ्राइड खा लेने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आते हैं पेशेंट्स के कि व्रत के नेक्स्ट डे या एक 7-8 दिन का व्रत रखने के बाद उनका जो कमिंग डेज हैं, कमिंग वीक्स हैं, वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी ये है कि आप अपना डे जो है वो 1 ग्लास मिल्क से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मिल्क प्योर फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट होता तो आप आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने हर उस बंदे को जिसको मिल्क इनडाइजेशन रहता है या प्रॉपरली मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो किस फॉर्म में उसको ले सकते हैं जिससे वो आपको डाइजेस्ट हो जाए, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है मिल्क से आपको डे स्टार्ट करना है। सेकेंड टिप ये है कि यूजुअली क्या होता है कि व्रत में लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो किसी भी एक मील को वो चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली डिनर लोग करते हैं या 6-7 बजे वो लोग खाते हैं और पूरे दिन वो खाली पेट रहते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि ऐसा करने की जगह अगर आप वो जो मील है वो लंच में शिफ्ट कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स भी यूनिफॉर्मली मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले दिन का डिनर किया होगा और फिर आपने सुबह दूध पिया हुआ है। अगर आप पूरे दिन भूखे रह के फिर रात को हैवी मील लेते हैं तो एक तो आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, सेकेंडली आपका पेट अफर जाता है, ब्लोट हो जाता है, क्योंकि एकदम से इतना सारा फूड इनटेक आप कर लेते हैं, और थर्डली आपको एनर्जी लेवल्स भी लो लगने लगते हैं बाय द टाइम इवनिंग आती है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप वो मील आफ्टरनून में ले लीजिए। आफ्टरनून में वो मील शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो कैलोरी इनटेक है वो मिड ऑफ द डे में होने की वजह से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, और बाय द टाइम इवनिंग आती है और आपका व्रत जो है वो ओवर होगा या आपका जो डे कंक्लूड होगा तब तक आपको लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं होगा। तीसरा टिप मेरा ये है कि अगर आप वेट लॉस डाइट पे भी हैं और उसके दौरान भी आप फास्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने व्रत के दौरान शुगर मत छोड़िए, अनलेस आप डायबिटिक हैं। अगर डायबिटीज़ नहीं है, सिंपली आप वेट लॉस की वजह से शुगर आपने छोड़ी हुई है, तो प्लीज़ व्रत के दौरान शुगर मत छोड़िए। कम से कम 2 चम्मच चीनी हर रोज़ लेना ज़रूरी है, अगर आप स्पेशली अगर आप सारे व्रत रख रहे हैं। चीनी क्या करेगी कि आपकी बॉडी को टेम्प्ररी एनर्जी देती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को रिजर्व्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग, क्योंकि अगर रिजर्व सारे इस्तेमाल हो जाते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर आपने 7-8 दिन की फास्टिंग करी है तो उसके बाद इन्फेक्शन कैच करने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। तो प्लीज़ 2 चम्मच चीनी हर रोज़ खाइए, ताकि आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होती रहे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। अगला जो पॉइंट, अगली जो 4th टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि जो भी आप व्रत रखते हैं उसके अंदर डीप फ्राइड अवॉइड करें। अगर आप डीप फ्राइड फूड खाते हैं तो क्योंकि आप काफ़ी देर इसमें गैप्स रखते हैं, काफ़ी देर खाली पेट रहते हैं, तो बॉडी के लिए सडनली इतना हैवी फूड पचा पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपको वेरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंडली क्योंकि सुबह से आप खाली पेट थे, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो जब सडनली आप इतना हैवी मील खाते हो तो बॉडी के लिए उसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ज़्यादातर वो क्या करता है उस कैलोरी को एडिपोज टिश्यू की तरह यानी फैट की तरह कंजर्व कर लेता है। तो कई बार मुझे कॉल आता है कि अक्षता हम 8 दिन से व्रत पे हैं, 7 दिन से व्रत पे हैं, फिर भी वज़न कम क्यों नहीं हुआ। तो ये कारण है, आप एक तो ब्लोट हो गए हो, दूसरा आपने जो भी फ्राइड खाया, जो भी खाना खाया, वो सारा का सारा स्टोर हो गया, बॉडी यूज़ नहीं कर पाई। तो कुछ छोटे छोटे आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ जो रिप्लेसमेंट्स आप कर सकते हो, जिससे आपका व्रत भी अच्छे से हो जाएगा और आपको डीप फ्राइड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम लोग आलू बनाते हैं तो कई लोग आलू को डीप फ्राई करके बनाते हैं या थोड़े ज़्यादा तेल में बनाते हैं, तो आप उसकी जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हो। आप दही आलू बना सकते हो, उसमें बिल्कुल भी फैट आपको डालना नहीं पड़ेगा,
प्लस दही जो है वो प्रोबायोटिक होता है, तो आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, और आलू जो होता है वो आपको एनर्जाइज रखेगा। तो दही आलू एक अच्छा ऑप्शन है जो आप व्रत के दौरान यूज़ कर सकते हो। पनीर टिक्का आप खा सकते हैं। पनीर में क्योंकि दूध की आइटम्स और दूध अलाउड होता है, तो घर का अगर आप टोंड पनीर बना के उसका पनीर टिक्का अगर आप खाते हैं, तो वो आपके लिए एक तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, आपकी कैलोरी को भी पूरा करेगा, आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी, और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी वो पूरा करेगा, फिलिंग भी हो जाएगा। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप जो डिफरेंट खीर हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे गाजर की खीर आप यूज़ कर सकते हैं, या घिया की खीर आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें फाइबर भी आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो कई लोग जैसे ड्यूरिंग व्रत कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और सेकेंडली, थोड़ा सा मीठा आपकी बॉडी में जाने की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि आपने चावल इस्तेमाल नहीं करे हैं, और क्योंकि आपने मखाना इस्तेमाल नहीं करा है, तो आपको वेट मेंटेन करने में भी वो आपकी मदद करेगा। एक और एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि कुट्टू की पूरी खाने की जगह आप कुट्टू की रोटी खा सकते हैं, घिया की सब्जी के साथ, सीताफल की सब्जी के साथ, या आलू की सब्जी के साथ। उससे काफ़ी हद तक कैलोरी कट डाउन करने में आपको मदद मिलेगी। फाइनल टिप मैं जो देना चाहती हूँ वो ये कि आप जब व्रत रख भी रख रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको व्रत में खाना अलाउड है, जैसे फ्रूट अलाउड है, या दूध अलाउड है, दही अलाउड है, जो भी चीज़ आपको व्रत में खाना अलाउड है, कोशिश ये कीजिए कि उनको 3-3 घंटे की दूरी पे आप रखें। ज़्यादा लंबा गैप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप ये लंबा गैप रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उस दिन रात को भी आपको खाना खाने के बाद इंडाइजेशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और उसके अगले दिन भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने का एक बहुत आराम से एक सिंपल तरीका क्या है कि हर 3 घंटे में जो भी आपको व्रत में अलाउड है वो आप छोटी क्वांटिटी में खाते रहिए। आइडिया इज़ टू ईट स्मॉल बट फ्रीक्वेंट। तो आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी नवरात्रा को अच्छे से रखने में, व्रत को अच्छे से रखने में, विदाउट फीलिंग लो, विदाउट फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, कुलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए। मैं आने वाले वीक्स के अंदर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रास।